हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षित कैसे हैं आप सब आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी घर पे होंगे सब लोग और घर की मस्ती में पेपर की तैयारी करना कोई भी नहीं भूल रहा होगा ये मैं आशा करता हूँ और टाइमली रिवीजन भी कर रहे होंगे देखिए बच्चों मैं एक चीज़ बार बार बोलता हूँ अपने सभी बच्चों को आपको भी बार बार बोल रहा हूँ बहुत से बच्चे पूछते हैं सर जब हम जनरल स्टडीज़ की तैयारी करते हैं स्पेशली जो यूपीएससी का जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है तो हमें कुछ याद नहीं रहता तो देखो बच्चे सक्सेस की की है रिवीजन ये मैं हर जगह हर अपने बच्चे को बोलता हूँ कि रिवीजन पे बहुत ध्यान दीजिए सिर्फ नई नई चीजें पढ़ते रहना वो प्रिपरेशन नहीं है जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको टाइमली रिवाइज करना वो इम्पॉर्टेंट है ठीक है जी चलिए आज का अब जैसे कि आपके पास शेड्यूल आपका अवेलेबल है ठीक है ये हमारी वेडनेसडे की जो वीडियो है आपकी वो है सोशल सिक्योरिटी यहाँ पर आपको मिल रहा है इससे पहले सोशल सिक्योरिटी एक बार मंडे को देख चुके हैं फर्स्ट जून को ओके तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का पार्ट वन देख चुके हैं ये पार्ट टू रहेगा बेसिकली आज हम अपने सारे टारगेट्स खत्म कर देंगे कुछ टारगेट्स हमने पार्ट वन में देखे थे मोर्टैलिटी से रिलेटेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी से रिलेटेड ठीक है आज हम कुछ और टारगेट्स देखेंगे जो इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने सेट किए थे एज इट इज फैक्चुअल डाटा पूछा जा सकता है उससे नेक्स्ट लेक्चर में भी हम हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स देखेंगे जो हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स नेशनल हेल्थ पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए आईटी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं अभी हमारा पूरा फोकस जो है आने वाले कुछ समय में कुछ एक दो हफ्ते तक हमारा जो है वो हेल्थ की इंपॉर्टेंट स्कीम्स के ऊपर ही रहेगा क्योंकि सोशल सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये फॉर्म होता है चलिए तो जब हम बच्चों हेल्थ की बात करेंगे तो आज की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी की जो हमारी स्कीम है जो दो हजार सतारह वाली उसमें हम क्या देखेंगे बेसिकली कि क्या डिजीज प्रिविलेंस और डिजीज इंसिडेंस को रिड्यूस करने के टारगेट्स थे इस आपकी रिपोर्ट में हेल्थ सिस्टम परफॉर्मेंस के बारे में क्या था और हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग के बारे में क्या था और कोई अगर इंपॉर्टेंट टर्म आएगी तो उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे तो सबसे पहले रिडक्शन ऑफ डिजीज प्रिविलेंस एंड इंसिडेंस देख लेते हैं तो इस पॉलिसी ने कहा कि भैया ग्लोबल टारगेट एक सेट हुआ था 2020 के लिए और इस ग्लोबल टारगेट को नाम दिया गया था 1990 नाइनटी नाइनटी ठीक है ये एच आई एड्स के लिए प्रोग्राम था ठीक है इसको याद रखना है पूछा जा सकता है कि कौन सी बीमारी के लिए एक ग्लोबल प्रोग्राम 1990 नाइनटी नाइनटी था अब ये 1990 नाइनटी का मतलब क्या था कि भैया नब्बे लोग जिनको एच है ठीक है उनको पता होना चाहिए उनका एच स्टेटस मतलब जिन भी लोगों को एच है फॉर एग्जाम्पल सौ लोगों को एच एड्स है तो नब्बे लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ उनको एच आई एड्स है नहीं तो कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पुअर कंट्रीज हैं वहां पर प्रॉपर टेस्टिंग सिस्टम नहीं है लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको एच की प्रॉब्लम है ठीक है अब जो डायग्नोज हो गए जिनको पता चल गया कि हाँ भैया हमको एच आई वी है उनमें से भी नब्बे परसेंट लोग वो होने चाहिए जो जिनको प्रॉपर एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी मिल रही है ये एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है एड्स को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है और जिन लोगों को थेरेपी मिल रही है उनमें से नब्बे परसेंट लोग ऐसे होने चाहिए जिनका जो है इस थेरेपी की वजह से वायरल सप्रेस होना शुरू हो गया है बीमारी जो है वो सप्रेस होनी शुरू हो गई है ठीक है तो सौ में से नब्बे लोग ऐसे होने चाहिए जिनको पता होना चाहिए कि हाँ उन्हें एड्स है अब इन नब्बे में से नब्बे परसेंट ऐसे होने चाहिए जिनको एंट्री एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी मिल रही है और इन नब्बे परसेंट लोगों में से नब्बे परसेंट लोग ऐसे होने चाहिए जिनका वायरल जो है सप्रेस होना शुरू हो जाए ठीक है तो एड से रिलेटेड बीमारी है ये आपको अच्छे से इसमें याद होना चाहिए किसी में किसी भी तरह की कंफ्यूजन इसमें होनी नहीं चाहिए चलिए उसके बाद दूसरा इसने क्या टारगेट रखा कि अचीव एंड एंटेन मेंटेन एलिमिनेशन स्टेटस ऑफ लेप्रोसी बाय 2018 की 2018 तक आप लेप्रोसी को एलिमिनेट कीजिए काला अजर को दो तक एलिमिनेट कीजिए लिम्फेटिक फिलेरेसिस को भी आप एलिमिनेट कीजिए जहां पर ये एंडेमिक प्रॉब्लम बना हुआ है हिंदुस्तान में दो हजार स्तारा तक ठीक है तो ये सारे जो है पास्ट के आपके डाटा हैं अब मैं आपको एक होमवर्क दूंगा कि आप मुझे ये बताएंगे कमेंट में कि इनमें से कौन सा जो है हमने टारगेट अचीव किया इन तीन डिजीजेस में से और कौन सा अभी तक अचीव नहीं किया उसके बाद टू अचीव अचीव एंड मेंटेन अ क्योर रेट ऑफ मोर देन एट्टी फाइव परसेंट इन न्यू स्प्यूटम पॉजिटिव पेशेंट फॉर टीबी ठीक है क्योर रेट मतलब कि जो ठीक हो रहे हैं मरीज जिनको भी टीबी हमने टीबी पॉजिटिव जो पेशेंट्स थे उनको हमने मोर देन 85 परसेंट क्योर कर दिया और नंबर ऑफ केसेस को भी आपने रिड्यूस कर दिया और अल्टीमेटली टीबी को आप एलिमिनेट कर दो 2025 तक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने किस साल तक जो है टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट रखा है तो ये इंपॉर्टेंट है ये आप लोग याद कर लीजिएगा उसके बाद ब्लाइंडनेस को कम करना है इट इसको लेकर जाना है 0.25 पर थाउजेंड में 2025 तक अगेन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ब्लाइंडनेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कम हैं एंड रिड्यूसिंग द डिजीज बर्डन बाय वन थर्ड फ्रॉम करंट लेवल्स ठीक है डिजीज बर्डन को भी यहां पर कम करने की बात की गई उसके बाद प्री मेच्योर मोर्टेलिटी समय से पहले मृत्यु हो जाना कार्डियोवेस्क्युलर डिजीजेस की वजह से या हार्ट डिजीजेस की वजह से कैंसर की वजह से डायबिटीज की वजह से या रेस्पिरेटरी डिजीजेस की वजह से तो ऐसी मृत्युओं को 25 परसेंट से कम करना 2025 तक यानी कि अगर ऐसी डेथ फॉर एग्जाम्पल अभी 100 डेथ्स ऐसे हो रही हैं एक साल में इन बीमारियों की वजह से जो प्री मेच्योर डेथ हो रही है उम्र से पहले जो मृत्यु हो रही है जो नेचुरल डेथ नहीं है अगर ऐसी डेथ अभी हंड्रेड हो रही है तो दो हजार पच्चीस तक इसको पचहत्तर पर लेकर जाना है यानी पच्चीस परसेंट कम कर देना है टारगेट सेट किए इस पॉलिसी में वो टारगेट देख लेते हैं क्या रहेंगे सबसे पहले कवरेज ऑफ हेल्थ सर्विस ठीक है तो ये क्या कहते हैं कि भैया पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करना जो है वो हमें बढ़ावा देना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी जो जगहें हैं सरकारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि देखिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और हमारे देश में हेल्थ में एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ही है हम जब बात करते हैं हमारे गरीब जनता की हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन की तो उनकी जो मेजर इनकम है वो हेल्थ के अंदर ही चली जाती है किसी को कोई बीमारी होगी तो वो इसी चक्कर में चली जाती है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स काफी महंगे हैं तो ये क्या चाहते हैं कि भैया पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर लोग ज्यादा यकीन करें और ज्यादा ही उसको यूटिलाइज करें अगर अभी सौ लोग सरकारी अस्पताल पे विश्वास रखते हैं सरकारी अस्पताल में जाते हैं अपनी किसी बीमारी के लिए तो ये पॉलिसी कहती है कि 2025 तक ये डेढ़ सौ हो जाने चाहिए यानी कि 50 परसेंट से जो है ये लोग बढ़ जाने चाहिए उसके बाद एंटीनेटल केयर कवरेज टू बी सस्टेन्ड अब नाइनटी परसेंट ठीक है तो ये केयर जो कवरेज है ये नब्बे परसेंट से ऊपर हो जानी चाहिए स्किल्ड अटेंडेंस एट बर्थ या फिर जो हम एक टर्म यूज करते हैं कि जो डिलीवरी है वो हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए प्रोफेशनल्स की केयर में होनी चाहिए ठीक है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जिसको आप बोलते हो तो इसको भी 90 परसेंट तक लेके जाने का टारगेट है 2025 तक एंटीनेटल केयर क्या होता है ये अभी डिस्कस करेंगे ठीक है उसके बाद मोर देसेंट ऑफ द न्यू बोर्न आर फुलीनाइज बाई वन ईयर ऑफ एज बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी एक और टारगेट सेट कर दिया गया कि जो भी बच्चे जो भी नवजात शिशु हैं जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं नब्बे उन, बच्च, उन बच्चों में नब्बे परसेंट ऐसे बच्चे होने चाहिए जिनको कोई ना कोई इम्यूनाइजेशन मिल चुकी है एक साल की उम्र से पहले पहले और ये भी टारगेट अचीव करना है दो हजार पच्चीस तक उसके बाद फैमिली प्लानिंग का टारगेट है नाइन्टी परसेंट नेशनल एंड सबनेशनल लेवल्स पर अगेन 2025 का टारगेट इसके लिए रखा गया है उसके बाद ये पॉलिसी ये भी कहती है कि जो भी आपके हाइपरटेंसिव या डायबिटिक इंडिविजुअल्स हैं ठीक है जिनको आपने ट्रेस कर लिया है हाउस होल्ड लेवल पर उनका आपने डिजीज स्टेटस जो है वो कंट्रोल्ड कैटेगरी में लेकर आ जाना है बाय 2025 मतलब कि अगर 100 पेशेंट्स हैं डायबिटिक तो उनमें से 80 पेशेंट ऐसे होने चाहिए जिनको आप कह सको कि हाँ हमने इनकी डायबिटीज को कंट्रोल कर लिया है 2025 तक ये सभी जो है डायरेक्ट टारगेट्स हैं आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड में पूछा जा सकता है ठीक है उसके अब अगर आप सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो चाइल्ड केयर में आपसे ये वाला पॉइंट पूछा जा सकता है बाकी चाइल्ड केयर पॉइंट्स रिलेटेड एजुकेशन के साथ मिला करके पूछा जा सकता है वुमेन एम्पावरमेंट में इस पॉइंट को आपके रिलेट किया जा सकता है साथ में तो इंटरमिक्सिंग हो सकती है तो कुछ ये टारगेट्स आपको याद होने चाहिए ओके okay, अब एंटी केयर क्या होता है या इसको आप जिसको प्री केयर भी बोलते हो ये एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चीज होती है केयर वर्ड यूज हो गया ना तो प्रिवेंटिव चीज होती है इसका गोल क्या होता है कि रेगुलर चेकअप प्रोवाइड कराए जाए डॉक्टर्स के थ्रू या मिडवाइफ्स के थ्रू ताकि जो पो, पो, पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो प्रेगनेंसी में एक वुमेन को फेस करनी पड़ती है वो उसको उसकी जो है देखभाल कर सकें उसका ध्यान रख सकें और एक हेल्दी लाइफ जो है दोनों बच्चों बच्चे और जो आ, माता जी हैं जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको प्रोवाइड कराई जा सके ओके okay. उसके बाद कुछ क्रॉस सेक्टोरल गोल्स रिलेटेड टू हेल्थ है वो क्या है देख लेते हैं रिलेटिव रिडक्शन इन प्रिवेलेंस ऑफ करंट टबैको यूज ठीक है टबैको यूज कम करना है बाई फिफ्टीन परसेंट दो हजार बीस तक और तीस परसेंट बाई 2025 ठीक है बाय मतलब कि अगर 100 लोग अभी ले रहे हैं तो इसको लेकर जाना है 85 तक 2020 में और 2025 तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 70 लोग ऐसे रह जाने चाहिए इन 100 में से जो टोबैको का यूज कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ 40 परसेंट इन प्रेविलेशन प्रसिंग ऑफ ऑफ अंडर फाइव चिल्ड्रन बाय 2025 ठीक है ये हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं स्टंटिंग भी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है एक बार फिर से देख लेते हैं चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है तो चाइल्ड को 20 से यहां पर इन्होंने कम करने की बात करी है। चलिए तो स्टंटिंग या इसको आप बोलते हो लो हाइट फॉर एज मतलब कि बच्चे की उम्र के हिसाब से उसका जो कद है उसकी जो हाइट है वो कम है और इसका कारण क्या होता है इनसफिशियंट न्यूट्रिय इनटेक ठीक है इनसफिशेंट न्यूट्रिएंट इनटेक है वहां पर जो है स्वच्छता नहीं है क्लीनलीनेस नहीं है जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं जिस वजह से आपकी ये स्टंटिंग होती है जो होता है लो हाइट फॉर वेज ठीक है और ये जनरली अकर करती है दो साल की उम्र से पहले और इस अगर ये प्रॉब्लम बच्चे को इतनी छोटी उम्र में हो जाती है तो ये एक तरह से इरिवर्सिबल चेंज होता है फिर वो पूरी उम्र जो है उसको डिजीज बर्डन ये लेकर चलना पड़ता है अपने साथ इसीलिए ये एक मेजर प्रॉब्लम है ठीक है फंक्शन पुअर स्कूल परफॉर्मेंस ठीक है और दुनिया में वन थर्ड जो बच्चे हैं जो पांच साल से नीचे के बच्चे हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज में जो बच्चे हैं वो स्टंटेड हैं और इंडिया में भी बहुत जो है इसका बर्डन हाई है तो इसका टारगेट रखा गया है कि करंट लेवल से चालीस परसेंट जो है स्टंटिंग को आपने कम करना है ओके चलिए उसके बाद नेक्स्ट कहता है एक्सेस टू सेफ वाटर एंड सैनिटेशन टू ऑल बाय 2020 स्वच्छ भारत मिशन के तहत रिडक्शन ऑफ ऑक्यूपेशनल इंजरी बाय हाफ फ्रॉम करंट लेवल्स ऑफ 334 पर लाख एग्रीकल्चरल वर्कर्स बाय 20 ट्वेंटी अब ये ऑक्यूपेशनल इंजरी क्या होती है एग्रीकल्चर वर्कर्स की आप अगर न्यूज पेपर फॉलो करते हैं आपने कई बार न्यूज पढ़ी होगी कि पेस्टिसाइड पॉइजनिंग हो गई फार्मर्स को जब वो पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं या कोई और इंसेक्टिसाइड वगैरह स्प्रे कर रहे हैं तो दे इनहेल दैट ये क्या हो गया एक आपका ऑक्यूपेशनल इंजरी हो गया तो इसको कम करने की बात की जा रही है बाय हाफ ठीक है अभी का क्या लेवल है थ्री थ्री फोर पर लैख एग्रीकल्चर वर्कर्स जिनकी डेथ हो रही है इसकी वजह से तो इसको लेकर जाए जाने की बात हो रही है

हेल्थ फाइनेंस को सबसे पहले देखा गया तो सरकार ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी में कहा कि एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा भैया हेल्थ के ऊपर ठीक है अभी जब दो में यह पॉलिसी आई तो उस समय पे कुछ 1.15 परसेंट जो है जीडीपी का लगाया जा रहा था हेल्थ के ऊपर तो इसको कहा गया कि ढाई परसेंट ऑफ जीडीपी तक लेकर जाएंगे 2025 तक उसके बाद जो स्टेट सेक्टर हेल्थ स्पेंडिंग है जो स्टेट्स स्पेंड कर रही हैं उसको आठ परसेंट से ज्यादा लेकर जाना है ऑफ देअर बजट बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी यानी कि अगर सारी स्टेट का बजट मिलाकर के सौ रुपए का है तो आठ रुपए से ज्यादा उन सारी स्टेट के हेल्थ के ऊपर खर्च होने चाहिए दो हजार बीस तक लेकिन यह सारे टारगेट अब देखना रिवाइज होंगे जब यह कोरोना खत्म हो जाएगा ओके okay? उसके बाद डिक्रीज इन प्रपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड फेसिंग कैटर स्ट्रॉफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर फ्रॉम करंट लेवल बाय ट्वेंटी फाइव परसेंट बाय 2025 जिन घरों में ऐसा हो रहा है कि हेल्थ की वजह से माँ बीमार है बाप बीमार है ठीक है तो किसी को भी कोई बीमारी है उनकी मेजर इनकम जो है वो हेल्थ सेक्टर में ही जा रही है हेल्थ की में ही जा रही है दवाइयों का खर्चा डॉक्टरों का खर्चा इन्हीं सब में सारा उनका खर्चा निकल गया तो ऐसी जगहों पर क्या कहा गया कि इनके खर्चे हमने कम करने हैं पीछे हमने देखा ना सरकार क्या कह रही है कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज का यूज जो है वो बढ़ जाना चाहिए 2025 तक ठीक है तो पब्लिक सेक्टर का पब्लिक हेल्थ सेक्टर का जब यूज बढ़ेगा तो अपने आप जो है ये खर्चा भी कम होना शुरू हो जाएगा तो 25 परसेंट कम से कम ये कम हो जाना चाहिए अगर किसी घर के अभी सौ रुपए लग रहे हैं एक साल में हेल्थ के ऊपर दवाइयों के ऊपर तो उसके पचहत्तर ही लगने चाहिए सेवेंटी ही लगने चाहिए ठीक है उसके बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ पैरामेडिक्स एंड डॉक्टर्स एज पर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड नॉर्म्स इन हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट बाई ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है जितना भी ये है इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड ने आपका बताया है कि इतने डॉक्टर होने चाहिए एक डिस्ट्रिक्ट में वो आप जो है सेट कीजिए कम्युनिटी हेल्थ वॉल्टियर्स की पॉपुलेशन भी इन्हीं नॉर्म्स के हिसाब से होनी चाहिए और ये 2025 तक आपको टारगेट जो है अचीव करना है प्राइमरी और सेकेंडरी केयर फैसिलिटी जो है हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में वो सेट कीजिए ठीक है ये टारगेट भी आपका 2025 तक का रखा गया है उसके बाद हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन हेल्थ सिस्टम ठीक है हर डिस्ट्रिक्ट का अपना इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस होना चाहिए हेल्थ सिस्टम को लेकर के कि वहां पर किस तरह की कि बीमारियां होने का खतरा रहता है कितने लोग जो हैं उनको मेजर प्रॉब्लम्स है कितने ओल्ड एज लोग हैं और कितनी डेथ्स हो रही हैं बिकॉज ऑफ सम डिजीजेस तो वो सब जो है पूरा एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आपके पास होना चाहिए दो तक रेडी उसके बाद हेल्थ सर्वेलेंस सिस्टम जो है वो आपका तैयार हो जाना चाहिए आपकी डिजीज रजिस्ट्रीज तैयार हो जानी चाहिए 2020 तक हेल्थ सर्विलेंस सिस्टम जैसे कि अभी आपका पेंडेमिक चल रहा है तो आप किस तरह से सर्विलेंस करेंगे आर्किटेक्चर ठीक है, ठीक है? होना चाहिए। कि कौन से राज्य में किस तरह की हेल्थ है लोगों की ओबेसिटी कहीं पर ज्यादा है कहीं पर डायबिटीज ज्यादा है कहीं पर एनीमिया ज्यादा है तो ये आपका पूरा हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए और आपस में जो स्टेट्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वो इसको एक्सचेंज करें और ऐसे ही हम एक नेशनल हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी क्रिएट कर देंगे दो तक ठीक है तो ये भी एक टारगेट रखा गया इंपॉर्टेंट टारगेट है ये वाला बहुत ज्यादा इसको आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना चलिए इसके बाद लास्ट में आज के लिए जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन बताए गए कि सात प्रायोरिटी एरिया है जो ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी जिनको टारगेट करेगा और जिनके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेगा सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान क्लीनलीनेस बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको न्यूट्रिशन इंप्रूव करना है उसके बाद बैलेंस्ड हेल्थ डाइट्स एंड रेगुलर एक्सरसाइजेस देखिए बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए हमारे देश में एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि हमारे देश की डाइट बैलेंसड नहीं होती ठीक है माइक्रो न्यूट्रिय हमारी डाइट में से मिसिंग है प्रोटीन हमारी डाइट में से मिसिंग है ठीक है जो मेजर प्रॉब्लम कॉज कर देते हैं हमारे देश में खाना खाने को मतलब समझा जाता है पेट भरना पर पेट भरना खाना खाना नहीं होता एडिक्वेट न्यूट्रिय लेना विटामिन लेना वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो डाइट को बैलेंस बनाएंगे और रेगुलर एक्सरसाइज प्रमोट करेंगे इसीलिए सरकार लगातार खेलो इंडिया के ऊपर भी जो है बहुत ज़्यादा जोर लगा रही है उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका टोबैको अल्कोहल और जो भी ड्रग्स और सब्सटेंस अब्यूज है उसको कम करने के लिए तीसरा आ जाता है यात्री सुरक्षा ताकि जो लोगों की मृत्यु रेल या रोड एक्सीडेंट्स की वजह से हो रही है उसको कम किया जा सके निर्भया नारी ताकि जेंडर वायलेंस को कम किया जा सके ये एक मेजर जो है इंपैक्ट लाता है वुमेन की हेल्थ के ऊपर स्ट्रेस को कम करने की बात की जा रही है वर्क प्लेस में जाकि वर्क प्लेस जो जहां पर आप काम करने जाते हैं आपके ऑफिस में आपकी सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ाई जाए और आपका स्ट्रेस जो है वो कम किया जाए इंडोर एंड आउटडोर एयर पोल्यूशन को कम किया जाए जो एक मेजर रोल प्ले करता है आपकी हेल्थ में इंडोर एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए ही सरकार स्कीम लेकर आई थी आपकी उज्ज्वला योजना जिसमें एलपीजी सिलेंडर्स जो है वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वुमेन हेड मेंबर के नाम के ऊपर ताकि जो वो पहले चूल्हा यूज कर रहे थे मिट्टी का बना हुआ उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है उसको कम किया जा सके ठीक है तो ये जो सात एरिया है ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन uh, एक प्रोवाइड कराएंगे आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी को पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि इनमें से कौन सा जो है वो पार्ट है एनएचपी का या कौन सा जो है कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्रायोरिटी एरियाज में आता है ये आपका हेल्थ जो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट था उसमें ही इसको एज इट इज प्रोवाइड किया गया था तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही आई होप आपको मजा आया होगा किसी को कोई डाउट हो किसी को कोई क्रिटिसिजम करना हो ठीक है गालियां मत देना सभ्य वे में बहुत अच्छे से बिल्कुल डिसेंसी से आप जो भी आप बोल सकते हैं क्रिटिसाइज कर सकते हैं आप सीधा सीधा ये भी लिख सकते हैं सर आपने बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाया या सर तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाया ये हमारी सभ्यता है तू तड़ाक करना और ये सब चीज अच्छी नहीं है और गाली गलोच भी नहीं ठीक है बाकी कोई सजेशन तो आप बता सकते हैं वो भी हम जरूर करने की कोशिश करेंगे अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे धन्यवाद